क्या कर रही है ज्योति? देखिए टी शर्ट पहले से फटी हुई, तू और फाड़ दे। अरे फाड़ में जाए तेरी टी शर्ट। जो मैं बोल रही हूँ ना पहले वो सुन। निहार तेरा सोलमेट है। पागल। अरे तू खुद ही सोच ना, वहाँ इतने लोग थे पूजा में, फिर भी तुझे सिर्फ निहार ने ही बचाया, और वो भी एकदम फिल्मी हीरो टाइप्स। हाय सो रोमांटिक। तू भी ना ज्योति, फालतू का दिमाग ही चलता है तेरा। निहार सर की जगह कोई भी अच्छा इंसान होता ना तो यही करता। क्यों परेशान कर रहे हो उसको? यार दीदी तुम ना ज्यादा दादी अम्मा ना बना करो, उसके लिए दादी है ना घर पे। तुम ये बताओ निहार सर से बात हुई? हाँ, और वो मान गए। थैंक गॉड, मैं पापा के फोन से ना इंस्पेक्टर का नंबर निकाल के तुम्हें भेजता हूँ। हेलो जी सर। रितिका। रुचिता सर। यार रुचिता देखो, तुम्हें मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। मेरे लिए दुल्हन ढूंढनी, वो भी जल्द से जल्द। ये आवाज कैसी थी? सर बिल्ली थी, बिल्ली। हट। मेरी बात सुन ली ना तुमने? जी सर, आपको एक दुल्हन चाहिए है ना? लेकिन सर आप शादी कर रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसी लड़की ढूंढो जिसकी शादी होने वाली है, और उसे किसी भी तरह से कन्विंस करो कि वो हमारे स्टोर से सारी ज्वेलरी ले। जी सर, लेकिन मैं ये सब कैसे? अरे कम ऑन यार, अब मैं पापा को कमिट कर चुका हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर यार इतना बड़ा भी काम नहीं है, मेरी बेस्ट एम्प्लॉय के लिए तो ये छोटी सी बात है। हाँ ओके सर, मैं देखती हूँ। वाह बेस्ट एम्प्लॉय, क्या बात है। चुप कर यार। मम्मी किसी की शादी हो रही है क्या? क्यों, तू पंडित है? तू चुप कर। मतलब कोई भी मोहल्ले में या फैमिली में कोई भी होने वाली दुल्हन है क्या? नहीं फिलहाल तो नहीं। क्यों? नहीं ऐसे ही कुछ काम था। बता ना क्यों पूछ रही है तू। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि गाड़ी का क्या हुआ? नहीं बिकेगी गाड़ी। जबान कैंची की तरह तेज चलती है तेरी। जितने पैसे में पापा बेचना चाह रहे उसमें कोई नहीं खरीदेगा। मुझे तो लगता है उन्हें बेचनी ही नहीं है, तभी ऐसी कीमत मांगते हैं कि सामने वाला ही मना कर दे। विवेक दादी सही कह रही है, जबान के साथ साथ दिमाग जरा कम चलाया कर अपना। मम्मी लेकिन विवेक तो सही कह रहा है ना, पुरानी गाड़ी है, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, फिर हम क्यों बेचे? बेटा देख तेरे पापा तो गाड़ी चला नहीं पाएंगे, 6-8 महीने खड़े खड़े और खराब हो जाएगी। फिर देनदारों के पैसे भी तो देने हैं, इसीलिए बेच रहे हैं गाड़ी। मम्मी लेकिन गाड़ी के पैसों से तो कुछ भला नहीं होगा, पापा को बोलो ना गाड़ी नहीं बेचते हैं। तेरे पापा नहीं मानेंगे, और गाड़ी बेचेंगे तो दो पैसे ही आएंगे ना। तो मैं सीख लेती हूँ ड्राइविंग, और कार से ही ऑफिस चली जाऊंगी, और इस टफर को भी स्कूल छोड़ दूंगी है ना, और रिक्शे के पैसे भी बचेंगे। बात तो सही कह रही है रुचि। अगर आप सब लोगों को ठीक लग रहा है तो मैं करती हूँ इनसे बात। हाँ इतनी रात में किसका मैसेज आ रहा है? निहार सर का मैसेज इतनी रात को? सब ठीक है ना? क्या किया तुमने मेरे साथ ऐसा? एकदम फिटी हो गई हो मेरे दिमाग में, निकल ही नहीं रही। जब से आया हूँ सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। आई नो कि हमारे बीच आज बहुत अजीब चीजें हुई, और तुमने भी बहुत स्ट्रेंज बिहेव किया, बट अच्छा था। अगर तुम ऐसे बिहेव नहीं करती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। तुम्हारा ख्याल मुझे इतना बिजी रख रहा है कि मेरी तो नींद ही उड़ गई है।